हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संदीप संघवी फ्रॉम नवसारी। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। नाउ वी स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक, द डीएनए। पीपल यू ऑलरेडी नो द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। व्हाई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड? बिकॉज in DNA having lack of one oxygen atom containing pentose sugar, and their name is deoxyribose sugar. So the full form of DNA, deoxyribonucleic acid, and the remaining component is nitrogen base, adenine, thymine, guanine or cytosine, and another component phosphate group is there, and combine it form whole nucleotide. So the full form of DNA, deoxyribonucleotides. The nucleotide kaise form hota hai? Nitrogen base plus phosphate group plus pentose sugar. Lekin DNA mein kaun si sugar hai? Lack of one oxygen atom containing sugar, deoxyribo sugar. So the full form is deoxyribonucleic acid. तो डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड लिंक टुगेदर एंड फॉर्मिंग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नाउ द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट, यानी जितने न्यूक्लियोटाइड ज्यादा रहेंगे उतना ही डीएनए का लेंथ ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफाज नोन एज, जैसे बैक्टीरियोफाज नोन एज 5174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, वेयर एज बैक्टीरियोफाज लैम्बडा हैज 48502 बेस पेयर प्रेजेंट। तो जैसे बैक्टीरियोफाज में कितने हैं? 5386, यानी उसका डीएनए छोटा होगा। उसकी कंपेयर में बैक्टीरियोफाज लैम्बडा में ज्यादा बेस पेयर है, यानी उसके डीएनए की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। इसकी सबसे कम, उससे ज्यादा, देन इसे रिशिया कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, यानी ये बैक्टीरियोफाज लैम्बडा की कंपैरिजन में, ये वायरस की कंपैरिजन में ई कोलाई में डीएनए की लेंथ और ज्यादा रहेगी। वेयर इज हैप्लोइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए हैविंग 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, यानी उसके डीएनए की लेंथ जो ऊपर जो हमने लिखे उसकी कंपेयर में और ज्यादा रहेगी। ओके, तो हैप्लोइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए हैविंग 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, वेयर इज डिप्लॉइड हैविंग 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ओके फ्रेंड्स, ओके देन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो नाउ फर्स्ट वी डिस्कस डिफरेंट बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीएनए। तो फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीएनए। नाउ न्यूक्लियोटाइड कैरी थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड लिंक टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज एंड इट सिंथेसाइज डीएनए। लेकिन यहां पे न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड का बेसिक कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस। तो देर आर 5 डिफरेंट नाइट्रोजन बेस, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिन। देन पेंटोस सुगर डीएनए में रहेगा, डीऑक्सीराइबोस सुगर आरएनए में रहेगा, राइबोस सुगर। देन फॉस्फेट ग्रुप, दिस थ्री बेसिक कंपोनेंट असेंबल टुगेदर एंड सिंथेसाइज न्यूक्लियोटाइड। देन नाइट्रोजन बेस, there are two different types of nitrogen base, purine and pyrimidine. So purine दो तरह के,
एडेनाइन एंड गुआनिन आर प्यूरिन, व्हेरएज थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आर पिरिमिडिन। तो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर भी रहेगा, तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा है, हिट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, यानी उसमें दो रिंग प्रेजेंट रहेगी, यानी हिट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। पिरिमिडिन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। देन पिरिमिडिन की अगर बात करें, जैसे थायमिन ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, whereas यूरासिल ओनली प्रेजेंट इन आरएनए। तो थायमिन जो डीएनए में रहेगा वो आरएनए में एब्सेंट, यूरासिल जो है वो आरएनए में रहेगा, डीएनए में एब्सेंट। देन नाइट्रोजिनस बेस लिंक्ड, नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोस सुगर थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। यानी पेंटोस सुगर का अटैचमेंट नाइट्रोजिनस बेस के साथ कंबाइनली फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। अगर यहां पे हमने फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया, देन इट सिंथेसाइज न्यूक्लियोटाइड। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड की, तो नाइट्रोजिनस बेस सच एज ए टी जी सी और यू एनी वन इज लिंक टू दी पेंटोस सुगर थ्रू अ एन ग्लाइकोस, ये जो बॉन्ड है वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। जैसे यहां पे अगर एडेनाइन अटैच है तो उसे बोलेंगे डी ऑक्सी एडिनोसाइन, इसी तरह डी ऑक्सी थाइमिडीन, डी ऑक्सी साइटिडीन। आरएनए अगर रहेगा तो उसमें रहेगा जैसे यूरिडीन, ओनली यूरिडीन, यूरासिल अगर यहां पर लिखा हो यूरिडीन, बिकॉज उसमें राइबोस सुगर है, डी ऑक्सी राइबोस सुगर नहीं है। ओके क्लियर फ्रेंड्स। तो जैसे ये एडेनाइन यानी डी ऑक्सी एडिनोसाइन, साइटोसिन होगा तो डी ऑक्सी साइटोसिन साइटोसाइन। ओके फ्रेंड्स क्लियर। ओके देन आफ्टर ओके नाउ वी ऑलरेडी नो दैट डीएनए हैविंग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। नॉर्मली हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह ड्रॉ करते हैं, जैसे 5' वन एंड इज 5' एंड अनदर एंड इज 3', एंड दी ऑपोजिट स्ट्रैंड 3' to 5'। इन शॉर्ट डीएनए हैविंग डबल हेलिकल एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर मींस वन स्ट्रैंड इज इन स्ट्रेट मैनर एंड अनदर वन इज इन ऑपोजिट एंड रिवर्स मैनर, मींस बोथ स्ट्रैंड अरेंज इन एंटी पैरेलल फैशन। यानी हम उसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर यहां पे देखें, जैसे 5' है तो अरेंजमेंट वन न्यूक्लियोटाइड, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड यहां पे है वन न्यूक्लियोटाइड, वन पेंटोस सुगर विथ नाइट्रोजन बेस सच एज थायमिन जो पहले कार्बन पे अटैच है, एंड नेक्स्ट टू फिफ्थ कार्बन जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ कार्बन पे अटैच है फॉस्फेट ग्रुप। वन न्यूक्लियोटाइड अटैच विथ अनदर न्यूक्लियोटाइड विथ हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड कंबाइनली फॉर्म डाई फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। हियर नाउ वन न्यूक्लियोटाइड अटैच विथ अनदर न्यूक्लियोटाइड, यानी यहां पे जैसे एक एडेनाइन अटैच विथ थायमिन, तो जैसे यहां पे एक नाइट्रोजन बेस थायमिन अटैच विथ एडेनाइन अनदर न्यूक्लियोटाइड विथ टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और अरेंजमेंट एंटी पैरेलल है। यानी देखो एक जो स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड उसका स्ट्रक्चर हमने वर्टिकल सॉरी ऑपोजिट रिवर्स में ड्रॉ किया है, और यहां पे स्ट्रक्चर स्ट्रेट ड्रॉ किया हुआ है। तो यहां पे फर्स्ट कार्बन पे थायमिन और यहां का फर्स्ट कार्बन का एडेनाइन लिंक टुगेदर विथ टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ नंबर का जो कार्बन है वहां पे जो प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप है विच आर फ्री, सो 5' फ्री, तो इसीलिए यहां पे 5' रहेगा। वैसे ही अगर एंटी
पैरेलली देखे, एक न्यूक्लियोटाइड अटैच विद अनदर न्यूक्लियोटाइड, यानी ये जो स्ट्रेंथ है उसका जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन 3 रहेगा, यानी 5' to 3' सेम में ऑपोजिट, ये जो स्ट्रेंथ है उसका थर्ड नंबर का कार्बन फ्री है यानी 3', और जो लास्ट रहेगा उसका फिफ्थ नंबर का कार्बन फ्री रहेगा यानी 5'। यानी ये लास्ट वाला जो फिफ्थ नंबर का कार्बन जो है वो किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यानी जैसे इस स्ट्रक्चर को डिटेल में देखे तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा 3' to 5' 5' to 3' एंड बोथ स्ट्रैंड आर अरेंज इन एंटी पैरेलल फैशन। ओके, एंड वन न्यूक्लियोटाइड अटैच विद अनदर न्यूक्लियोटाइड विद हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फ्रेंड्स ओके, देन नाइट्रोजन बेस लिंक टू पेंटोस सुगर, दिस नाइट्रोजन बेस लिंक टू पेंटोस सुगर एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म द बैकबोन ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ड्यू टू दिस अटैचमेंट ऑफ पेंटोस सुगर विद नाइट्रोजन बेस एज वेल एज टू डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस लिंक टूगेदर विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कंबाइंडली इट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यानी जो डीएनए का स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में, बैकबोन फॉर्म करने में हेल्प करेगा ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, प्लस हेल्प करेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। और बैकबोन कौन फॉर्म करेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर आरएनए होगा, नॉर्मली आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन अगर वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो रहेगा तो उसमें थायमिन की जगह पे क्या रहेगा? यूरासिल रहेगा, रिमेनिंग सेम। और हाँ, और आरएनए में सेकंड नंबर कार्बन पोजीशन पे रहेगा OH, अगर डीएनए रहेगा तो वहां पे सिर्फ रहेगा H। तो आरएनए में OH की वजह से ही आरएनए विच आर हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू डीएनए। ओके फ्रेंड्स,